अगर मैं इसी तरह व्लॉग चला चला के चलती रही तो अनकरीब तुम ही चल जाओगे। रस्ते में देखो दो लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, एक पहले गुजरी है उसने स्कूटी हिजाब किया और स्कूटी चला रही है ना ना ना। मैंने कहा मैं भी ले सकती हूँ कॉलेज जा सकती हूँ। आप भी अपने खूबसूरती को देखा कभी? हाँ को नहीं नहीं ये देख लो। एस्ट्रोलॉजी, दिस इज मी वन एंड ओनली इकरा कवल। और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी मॉर्निंग इस वक्त हुई है जिस वक्त राबिया जो है वो कॉलेज से आती है वापस। तो अभी फिर एज यूजुअल हमेशा दरवाजा खोलने के लिए मुझे जाना पड़ता है। जी कौन? Hello. आप कौन? मेरी मौत इतनी बुरी। आज तो यूनिफॉर्म पहन के डॉक्टर हाँ लैब कोट प्यास लगी थी, मैंने वाटर ले लिया तो वो रिक्शा वाले को पानी देना। ओके गुड गर्ल, जल्दी से जाकर आज मैं लाइनर लगा के गई थी। देखो किस खुशी में कॉलेज में पता नहीं मैं तुम्हें टीचर ने कुछ कहा तुम लाइनर क्यों? मैंने कहा पता नहीं, मैंने ख्वाब में देखा मेकअप आर्टिस्ट बनी हुई। ये एन किस खुशी में कानों में पहने हैं? एन से निशात, निशात होटल की मां। रास्ते में देखो दो लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, एक पहले गुजरी है उसने स्कूटी हिजाब किया और स्कूटी चला रही है ना ना ना। नहीं नहीं तुम्हारा मुझे स्कूटी चलाना सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये टर्न है ना ना क्या लेकिन कॉलेज खत्म हो गया क्या तब लोगी? राबिया को बहुत बुरी तरह से कॉलेज चढ़ा, मैं तब ले लूंगी। राबिया को बहुत बुरी तरह स्कूटी चढ़ी हुई है कि मुझे स्कूटी लेके दो, स्कूटी इसने बस वो टर्न मेरे बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो मैं स्कूटी पे जा सकती हूँ। अच्छा पेट्रोल का खर्चा बच सकता है। मम्मा ने तुम्हें कोई स्कूटी नहीं लेके देनी। मम्मा इस वक्त जो है ना वो फोन पे मसरूफ है और मैं उनकी तरफ कैमरा नहीं कर सकती वरना उन्होंने मेरा कौन पापा अभी आए हैं जी मेरे डैडी। गुड मॉर्निंग पापा जी। राबिया कह रही मैंने स्कूटी लेनी है। कह रही है क्या आपको पता रिश्वत क्या लगा रही? बोर्ड के पेपर में खुद जाऊंगी, आपको छोड़ने जाना नहीं पड़ेगा। ये विषय मुझे हाँ मुझे गिफ्ट हो चलो आज तुम्हारी स्कूटी कोई नहीं आनी है क्या? होंडा की मिल रही है बहुत सस्ते में, आपको सस्ती चाहिए? तुम्हें चाहिए भी टर्न ना ना धूम में चले वाली है पिंक कलर तो देख बात चले स्कूटी जरा भी चुकी हुई है इसलिए रहने बड़े होके ले। नहीं नहीं आप लोग ना कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हमें स्कूटी लेनी चाहिए या नहीं। और ये बताना पिंक कलर में फेस वॉश कर रही हूँ जी। मैं यूज कर रही हूँ चिल्टन प्योर का पोल्यूशन आउट फेस वॉश। इससे जो है आपके ओपन पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं, आपकी स्किन जो है वो बैलेंस रहती है, ब्राइट करती है स्किन को। अगर आप लोगों को भी ये चिल्टन प्योर का फेस वॉश चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाके अपना फेस वॉश ऑर्डर करें 10 एस्ट्रोलॉजी कोड के साथ। ओके तो मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि आप भी मुझे बताओ आपने कभी खूबसूरती को देखा? हाँ मैं रोज नहीं पहले को मैंने नहीं देखा, मैं रोज शीशा देखती हूँ। नहीं मेरी बाप मेरी बाप मेरी लाइन को आप भी आपने खूबसूरती को देखा कभी? हाँ को नहीं नहीं ये देख लो कि अंदर जो है ना यहाँ ये तो जिंदगी तरह पहले उठी हुई। कुछ नहीं वाला सो जाओ, कहीं भी नहीं, हम तुम्हारे डर से कहीं जा ही नहीं सकते जिंदगी में। इसकी घर का एक छोटा बच्चा होता ना जिससे छुप के आप कहीं जाते हो, ये घर का वो बच्चा जिससे छुप के जाने की कोशिश की लेकिन ये उठ गई है। अभी हमारी स्कूटी का अलग व्लॉग बनेगा, राबिया की स्कूटी। हाँ जी लेकिन अभी अभी तो स्कूटी लेने नहीं जा रहे। नहीं अभी नहीं जा रहे। क्या कह रही हो? तैयार क्यों हो? मैं इतना तैयार क्यों हूँ? लोगों को तो नहीं पता मैं अभी तैयार हुई हूँ। मैं तुम्हारे मुझसे दोबारा सुनना चाह रही थी। अच्छा जी आप लोग पूछते हैं ना कि आप लोग पीआर का शूट कैसे करते हो, तो भाई ये मुझे पीआर आई है रेन क्लॉसेट की, तो इसकी मुझे शूट करना है और इंस्टाग्राम पे हैशटैग पिक्चर्स पोस्ट करनी है, तो उसके लिए मैं तैयार हुई हूँ। ये मैं आपको बताऊंगी इतनी लंबी हील पहन के ये मेरी बहन तैयार हो गया खड़ी, मुझे कह रही है कि ये सब निकालो। तो हीरा यार मेरी ये हील पे थोड़ी सी तरस खा लो। मैंने भी तुम क्या आज लचकदार रंग बिरंगी रंगीलो बनी हुई हो?
Your top is so cute. From where you got it? कहाँ की? From rain closet. आके इसको उतारो. जो बहन हील नहीं पहनती, वो यही करती है. इन बहनों पे तर्स खाओ. इन्होंने हील पहनी हुई, उसने भी मैंने. Good girl. कैसे ऐसे अदाउंस ये उतारना आप? तुम क्या? Kindly जरा उसका फोन पकड़ लिया जाए, क्योंकि अभी जिप खोलो ना यार. रबिया को बिल्कुल नहीं आइडिया. बहन को तो नहीं भूले, प्यारे प्यारे तैयार हुए. एक दबंग दबंग हाथ में स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ दो फोन पकड़े हैं, गाड़ी की चाबी. यार मुझे तुम्हारी पिंस बहुत प्यारी लग रही हैं यार. मतलब मेरी लुक उस तरह की नहीं थी कि आई कैन यूज देम, लेकिन मेरे लुक जैसी थी उस लिहाज से मैंने. और बहुत से लोग मुझे कहते थे आप रेड लिपस्टिक क्यों नहीं लगाती है, तो फाइनली टुडे आई अप्लाइड रेड लिपस्टिक ऑन माय लिप्स. ये लड़की को हम अलविदा, और ये गंद खाने से बिल्कुल बाज नहीं है. गेस कर कहां से निकाला? ये उसकी पनाटा से निकाल लो ना. नजर आ गई यार, मैं गिरने लगी थी. मेरी हील से अल्लाह मुझे बचाए. इतनी लंबी लंबी हील पहन के लड़कियां पता नहीं निकल कैसे जाती हैं. मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा यार. दो सेकंड में हम लोगों ने अपने वीडियोग्राफर को टाइम दिया. जनाब जल्दी से पहुंचे. हम लोग यहाँ अखियां उड़ीक दिया दिलवाजा मारदा. हमेशा मैं यही गाना क्यों गाती हूँ जब किसी का इंतजार कर रहे होते हैं हम लोग, क्योंकि लाइट जा रही है. 6 बज चुके हैं. कह रही हो बैग लाई हूँ? नहीं यार, कोई भी बैग नहीं रखवानी थी. ओहो कोई बात नहीं, आई हैव माई पैंट एंड आई हैव पॉकेट्स एज़ वेल. तो फिर मेरे पास तुम हो. चले जी, हम पहुंच चुके हैं. और वो ये देखे, ये अभी करा कवलिया लुढ़कने लगी थी. महारानी किधर है आप? यार हीरा मेरे बगैर चली गई हो. और मुझे मैं कहाँ, ओ शिट मैन, मैं गई, मैं वाकई गई आज तो. अल्लाह मेरे हिफाजत फरमाना. ये औरत तो निकल गई है अच्छी रोड से. अब 2 मिनट के लिए मुझे अपना व्लॉग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसी तरह व्लॉग चला के चलती रही तो अनकरीब तुम ही चल जाओगी. मैं वाकई में चल जाऊंगी. वो चलूंगी इन अ सेंस के मेरे पैरों में रेत हो जाएगी और मेरा शूट हो जाएगा वैसे ही. जल्दी से जाने का. तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है. इसकी हील है स्क्वेयर, ठीक है, ये अंदर नहीं घुस रही. मेरी बेचारी चूंच वाली अंदर घुसी जा रही, सुराख करी जा रही जमीन. वेट ज्यादा. अच्छा अब तुम क्या कहने जा रही हो, मैं मोटी हूँ? बदतमीज. ऐसे नहीं कहते बड़ी बहनों को. मोटा हो या पतला, इंसान अच्छा होना चाहिए दिल से. क्या कहा तुमने? मैंने सिर्फ वेट ज्यादा बोला. तो वेट ज्यादा ही रहा, तुमसे तो ज्यादा ही है. इतना ज्यादा कि हील अंदर ही रहा. तुम्हारी स्क्वायर है यार, तुम इस बात पे क्यों नहीं आ रही हो? मॉडलिंग अपनी बंद करो 2 मिनट के लिए, और उनको बोलो कि यहाँ पे आए प्लीज. मुझे लग रहा था कि आज हम तैयार होके सो जाएंगे. हाँ मुझे भी यही लग रहा था. मेरा पहले, हाँ जी, बड़ों की पहले, लेडीज फर्स्ट आफ्टर गर्ल्स, सॉरी. अच्छा शमसी, हम लोग सबसे ज्यादा आपकी पोनी की तारीफ कर रहे थे, एक दफा आप हिला देंगे? लोग कैमरे को देख के हाथ हिलाते हैं. हम अपने वीडियोग्राफर से कहते हैं आप अपनी पोनी हिला दें. लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ. मैं अपना शूट जो के करवा के इस वक्त बैठी हूँ. परिंदे भी घर को जा रहे हैं, हमें घर जाने की फर्स्ट. मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मेरे पैरों में मट्टी फंस चुकी है. लाइट चली गई है तो अब यही होगा, अंगूर खट्टे हैं. मिस्टर बीन, मिसेस बीन, दफा हो जाओ. मिस बीन, सॉरी. क्या मतलब? आई एम लुकिंग मिस्टर बीन? नो, आई एम लुकिंग गॉर्जियस. ओह यस. हाँ ना, है ये चश्मा सही लग रहा है, उतार दूँ? बहुत अच्छा लग रहा. सही बताओ, सच में बहुत प्यारा लग रहा है. ये झूठ बोल रही है आप? कमेंट बॉक्स में भी बताएं. नहीं नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है. मैंने कभी झूठ बोला तुम्हारे से? नेवर. मैंने कभी भी आप से झूठ नहीं बोला है. क्योंकि मैं हाँ ईमानदार हूँ, और मैं कभी भी अपने बड़ों से झूठ नहीं बोलती. अपने बड़ों से झूठ नहीं बोलती. मैं ज्यादा हो इसकी है, मेरी बहुत इज्जत करती. मैं आपको क्या बताऊँ, जितनी ये मेरी इज्जत करती इतनी दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता. आपको पता ना छोटी बहन कैसी बड़ी बहन की इज्जत करती है. सब ड्रामे जरा, बाहर से लाइट खत्म हो गई है और इन लोगों की अपनी वो नहीं. तुम अब क्यों तैयार हुई भी हो? जाते वक्त तो तुम तैयार नहीं हुई भी थी. चलें जी, हम लोग अभी मेरी मामा बनाने लगी हैं चाय. और ये देखें यार, मैं चीनियों को देने जा रही हूँ. मैंने कहा चीनियाँ दुआएं देगी. मैंने कहा इंसानों की दुआएं ज्यादा नहीं जरूरी होती, परिंदों की भी जरूरत है, हमें उनका भी ख्याल रखना. काफी दुआएं हैं, मैं पूरी करवाऊंगी. आपने घर का जितना भी, मम्मा किधर? आपके घर की जितनी भी चीजें हों, छोटे छोटे नवाले होते हैं, चावल होते हैं, राइस होते हैं, सब परिंदों को डाले. चलो चलो, नीचे गिर गया ना राबिया, फिर चिड़िया ढोकला. चिड़ियों के लिए खाना तैयार है. हम लोगों ने एक जगह बनाई हुई अपने
अपने घर के बाहर यहाँ पे हम वो जगह है वो कॉर्नर पे वो उधर वो क्या था चीज मंडी लई क्या थी माला करिया ये यहाँ पे ये देखो ये जो है ना ये जगह ये हम लोगों ने पानी के लिए रखा हुआ है छोटा सा एरिया और ये इस जैसे बदतमीज बच्चे होते हैं जो चिड़ियों को भी नहीं छोड़ते ऑस्कर की दुआएं मंगवा रही है परिंदों से रिश्वत लगाती हूँ परिंदों को भी परिंदों की दुआ अल्लाह डायरेक्ट सुनते क्योंकि उड़ के जा सकते हैं अल्लाह जी 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 आज के हमारे दोस्त का नाम है जी 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 बहुत के ऊपर एक डांस भी मैंने तैयार कर दिया दिखाओ दिखाओ रुको इधर खड़े होकर दिखाओ क्या है चीं चीं का डांस क्या हुआ आप भी डस्टिंग वाला कपड़ा है किया कि आप में आ रही मुझे कत्ल कर दिया ना ये देखो वो सारी चाय बॉईल होके गिर गई अंदर मम्मा का चूल्हा गंदा कर दिया मैंने साफ और मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा साफ करने वाला ये हमारे स्टंटर बनी हुई है स्टंटर वाओ चलो और हुला हुप भी कर सकती हूँ मैं साथ साथ अच्छा मानो कि आप लोग आज स्टंट देखें इसके करता मैं ये हुला हुप भी कर सकती है ये मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ मैंने मिस कर दिया शिट मेरा कैमरा क्यों बंद था ये बड़ी बुरी तरह गिरी है इतनी बुरी तरह गिरी है कि बेचारी अब तो मैं इसको उठाऊंगी भी नहीं इसकी इसकी हमेशा से मुझसे कंप्लेन रही है कि आप ही हमेशा मैं गिरती हूँ तो मुझे उठाती नहीं है इसको देख जरा तुझे कह रहा हूं तुम्हें धूप पड़ रही है जादू की तरह स्टाइल है सोने लगी है ये औरत अपने दोस्तों को नहीं दिखाना चाह रही थी इस बदतमीज ने आज मुझे कैरी खिलाई और मेरा गला दर्द हो रहा है आप भी कर मेरा फाइनल एग्जाम है मैंने तैयारी हां अभी बाहर तुम खेल रही थी अब तुम्हारा फाइनल शुरू हो गया मैंने तैयारी कर भी ली है गुड गर्ल ये मेरी बहनें पढ़ रही हैं एक सो रही है कुछ बाहर सो रही हैं तो इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को खुद पता है आप लोगों ने क्या कह दिया ओके बाय टेक केयर